नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। क्या आपको पता है हमारी भारतीय रेलवे बहुत सारे ट्रैक में 130-40 किलोमीटर पर आवर तक कंटिन्यू चल सकती है। अगर इसी गति को आप हमेशा कंसिस्टेंस रखें, बरकरार रखें, तो भी हाई स्पीड यानी कि जो लगने वाला समय है दो शहरों के बीच पहुँचने वाला, वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में। जी हाँ, ये बिल्कुल एक्सेस कंट्रोल रेलवे ट्रैक होगा जो कि बन रहा है पुणे से नासिक के बीच। तो चलिए आज की इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी जगहों से होकर ये गुजरेगा, और साथ ही हम बात करेंगे कि इसकी स्पीड हो गई या फिर इस प्रोजेक्ट में लगने वाला जो कॉस्ट है वो कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसकी स्पीड होगी वो मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होगी, और उस हिसाब से अगर मान लीजिए पुणे से नासिक कोई सेमी स्पीड हाई ट्रेन चलती है तो उसका जो एवरेज ऑन एवरेज आएगा वो लगभग 140 के आसपास आएगा। मतलब कि 231 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट रहेगा पुणे से नासिक। इसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो होगी 16039 करोड़ रुपए। तो चलिए आज की इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मेन मेन स्टेशनों से ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन गुजरेगी। ये ट्रेन पुणे से स्टार्ट होके हथपसर, उसके बाद अलंडी, उसके बाद चाकन, फिर उसके बाद राजगुरुनगर, मानछर, नारायणगांव, संगमनेर और सिनर, और उसके बाद नासिक। तो इस तरीके से ये जो रूट रहेगा वो 231 किलोमीटर का रहेगा। ये जो रूट है तीन मेन डिस्ट्रिक्ट पुणे, अहमदनगर और नासिक से होकर जाएगा। ये रूट बन जाने के बाद, ये सेमी हाई स्पीड रूट बन जाने के बाद, जो नासिक से पुणे जब जाते थे तो घूम के जाना पड़ता था, लेकिन ये रूट बन जाने के बाद जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा, और साथ ही जो लगने वाला समय है वो काफ़ी कम रहेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।